नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 6800 लिस्ट को जो नियुक्ति पत्र देना है उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। आज अमरेंद्र बाहुबली और इसके अलावा रंजीत यादव, मयंक सिंह सभी अपने अपने स्तर से जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। तो प्रयास जारी है, इसी क्रम में वे लोग विधायक अधिकारी और सांसदों से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो 25 अप्रैल को केस लगा है 6800 का, यानी 6800 लिस्ट की सुनवाई का, उस पर भी पूरी रणनीति तैयार हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 25 अप्रैल के बाद कुछ बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और आप लोगों को संभवतः मई के अंत तक पूरी कार्यक्रम कंप्लीट करके, यानी काउंसलिंग करा करके आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रयास जारी है, जारी रहेगा, ये अपडेट लीगल टीम की ओर से दी गई है। वहीं लगातार लीगल टीम में भी जो अवरोध बना हुआ है उसके अनुसार अभी ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे के लेन देन ना करते हो, वे नेट बैंकिंग यूज करते हो, डेली की स्टेटमेंट देने को तैयार हो, तो वे लखनऊ आ जाए और बताएं। 25 की सुनवाई में उसी अकाउंट में पैसे मंगवाए जाएंगे ताकि जो टीम की तरफ से संदीप दीक्षित और जयदीप नारायण माथुर को उतारा जा सके इस केस के पैरवी के लिए। टीम की ओर से कहा जा रहा है कि जब ज्ञापन कार्यक्रम चलाया जा रहा था तो उसमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा कई बार स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी से, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, इसके अलावा पाठक ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किया गया था। तो पैसों के लेन देन के लिए अब वही स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जिसमें नेट बैंकिंग हो और कम लेन देन हो। करें आज की अपडेट न्यूज़ की, तो मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई और भतीजावाद, MTT पास करने वाले ही बन सकेंगे मदरसा में शिक्षक। मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार का एक और कदम। गोला भरने की गलती से 6000 युवा हुए हैं बाहर, OMR सीट भरने में मामूली चूक से रोका गया परिणाम। उमेश कुमार ने प्राथमिक स्तर की TT परीक्षा यानी टेट परीक्षा में OMR सीट पर संस्कृत भाषा का गोला नहीं भरा, जिसके कारण उनकी OMR का मूल्यांकन नहीं हुआ। उमेश यादव का दावा है कि उन्होंने 105 प्रश्न सही किए थे। फिलहाल उमेश यादव अगर अपना गोला सही नहीं भरे हैं तो इसमें उनकी ही गलती है, ये बोर्ड कह रहा है, क्योंकि उन्हें गोला सही से भरना चाहिए था। तो ये कहानी सिर्फ उमेश यादव जैसे लोगों की ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा और अन्य भी लोग हैं जो गोला गलत भरे हैं। कुल 6000 युवा हैं इसमें। BU भर्ती के सवा साल बाद भी नहीं जारी हुई उत्तर कुंजी, सभी भर्तियों का प्राप्तांक जारी कराने के लिए कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। दरोगा भर्ती में ब्लैक व सारी से परीक्षण 25 से शुरू होगा, कटाप पूरा जारी कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कटाप की स्थिति क्या है। जबकि अब UPSC अब BU भर्ती के कटाप के लिए अड़े हैं अभ्यर्थी, छात्रों की मांग है इन परीक्षा के प्राप्तांक एवं कटाप जारी करें UPSC। UPSC अपनी सेवाओं को बेहतर बनाए ताकि जो छात्र हैं उनके मन में किसी प्रकार का संशय ना हो, ये मांग की जा रही है छात्रों की ओर से कि प्राप्तांक कटाप की जानकारी से बेहतर होती है तैयारी। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने PC 2019, PC 2020 और 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक कटाप तो जारी कर दिया, लेकिन कई अन्य भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक कटाप जारी होने का भर्ती इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग की ओर से PCS RO AR O भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा के कटाप अंक जारी किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कटाप अंक जारी किए जाने का नियम अभी भी बरकरार है। दरोगा भर्ती 9534 पदों के लिए कटाप जारी कर दिया गया है, यहां पर पूरा श्रेणीवार कटाप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, समान अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड